हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वंसन पर, सफलता की ओर पहला कदम। दोस्तों, मैं आदित्य पाल आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन, जो कि आप देखते हो जब भी मेटल कटिंग के चैप्टर को आप जब पढ़ते हो, आप देखते हो कि जब टूल वर्क की सोकट करने जाता है तो इस तरह की टर्मोलॉजी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जब आपका टूल वर्कपीस को कट करने जा रहा है विद अ कटिंग वेलोसिटी, लेट्स से टूल इज मूविंग टुवर्ड द वर्कपीस और टूल का यहाँ पर कटिंग वेलोसिटी क्या है, वी। वी इज व्हाट? कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी, ओके, कटिंग वेलोसिटी। यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी है टूल का जो कि आपके वर्कपीस को कट करने जा रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर वर्कपीस। तो आप देखते हो कि आपका यहाँ पर एक जोन आता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन। जी हाँ, ये प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन क्या है? ये प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन आप देख रहे हो, ये है हमारा प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन। अब इस जोन में हो क्या रहा है दोस्तों? यहाँ पर जो भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, लेट्स से ये आपके ब्रेक हो रहा है। क्यों ब्रेक हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपका इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज शियर फोर्स। ओके, यहाँ पर इस जोन में एक फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स, जहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और ये फिर चिक की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने के लिए, यहाँ पर एनर्जी का जो कंजप्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है टोटल का। कितना? ये आपका 70-80% एनर्जी कंज्यूम होता है ऑफ द टोटल एनर्जी जो कि आप यहाँ पे सप्लाई करने वाले हो इस रीजन में। जी हाँ, 70-80% आपका टोटल एनर्जी क्या होने वाला है? कंज्यूम होने वाला है, जितना आप यहाँ पे सप्लाई करोगे टोटल। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि यहाँ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक भी होगा, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन। आप इसे एक और नाम से भी जानते हो और वो है शियर प्लेन। जी हाँ, शियर प्लेन, ओके, और यू कैन से प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन। अब आप कहोगे सर, यहां पे आपने बोला शियर प्लेन और यहां बोल रहे हो प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन, जोन का मतलब कुछ थिकनेस होगी। जी हाँ, जोन का मतलब यहां पे क्या होगी? कुछ थिकनेस होगी। ये देखिए, ये जोन है। अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं तो लेट से टी एस इज द थिकनेस ऑफ द जोन। ओके, TS is thickness of shear zone, okay? Thickness of shear zone. और ये कितना होता है? ये होता है 25 into, on an average बात कर रहा हूँ, 25 × 10⁻⁶ मीटर। बहुत स्मॉल है। इसलिए ज्यादातर हम अपनी टेक्स्ट बुक में इस शियर प्लेन का अगर हम नाम दें A and B, जहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, इस शियर जोन को या शियर प्लेन को हम इस तरीके से एक लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखा है आपने, ये देख सकते हो आप, इस तरीके से हम इसे एक लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं फॉर आवर फर्दर एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस, पावर एनालिसिस जब करेंगे तो उसके लिए हम इसे एक प्लेन या एक लाइन की फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि थिकनेस वैसे ही बहुत स्मॉल है। देख रहे हैं, और इस स्मॉल थिकनेस के अंदर ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। जब यहां पर ये चिपकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद चिपकी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये आपका जो प्लास्टिकली डिफॉर्म मटेरियल है ये आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है। और ये कहां मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है टूल के रेक फेस के ऊपर। जी हाँ, ये मूव कर रहा है टूल के रेक फेस के ऊपर। ये देख रहे हैं टूल का यहां पर जो ये रेक फेस है, लेट मी शो यू द रेक फेस ऑफ द टूल। ये है आपका टूल का रेक फेस, ओके, ये है आपका टूल का रेक फेस जहां से ये चिप आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोस्तों, इस जोन को हम कहते हैं, या इस सरफेस को हम कहते हैं आपका रेक फेस। दिस सरफेस इज व्हाट? रेक फेस ऑफ द टूल, जहां से आपका चिप मूव करता है विद अ चिप वेलोसिटी वीसी। वीसी इज व्हाट? द चिप वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी, ओके। अब देखिए, यहां पर जब चिप आपका रेक फेस पे मूव करेगा तो ऑब्वियस है आपका रबिंग होगा। भाई देख रहे हैं आप, आपका रबिंग होगा, आपका फ्रिक्शन होगा। तो ऐसा जो द एरिया सराउंडेड द चिप
चिप टूल कॉन्टेक्ट रीजन इज कॉल्ड वॉट सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन। और यहाँ पे आपका फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पे टूल की टिप के ऊपर, ओके, यहाँ पे टूल की टिप के ऊपर कटिंग के दौरान यहाँ पर काफी ज्यादा ओके प्रेशर आ रहा है, टूल की टिप के ऊपर काफी ज्यादा क्या आ रहा है, प्रेशर भी आ रहा है, देख रहे हैं आप, ड्यू टू कटिंग ऑपरेशन। तो इस सबको ओवरकम करने के लिए, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर टोटल का कम से कम 20-25% एनर्जी क्या होता है दोस्तों, कंज्यूम होता है ताकि वो इस ड्रैग को, इस फ्रिक्शन को, इस कॉन्टैक्ट को ओवरकम कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम हुआ वो आपके प्राइमरी डिफॉर्मेशन के कंपैरिजन में कम है। और अगला जो एनर्जी कंजप्शन देखने को मिला आपको इस जोन में देखने को मिला, इसलिए हमने नाम क्या रख दिया, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप एक और टर्म देखते हो जिसका हम ज्यादातर जिक्र नहीं करते हैं, वो है आपका टर्शियरी डिफॉर्मेशन जोन। जी हाँ, टर्शियरी डिफॉर्मेशन जोन। ये टर्शियरी डिफॉर्मेशन जोन क्या है, ये देखिए टूल का जो ये फेस है, आप ये फेस देख रहे हैं, ये जो फेस आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं फ्लैंक। और ये जो आप वर्कपीस देख रहे हो, दिस इज द वर्कपीस, ये जो वर्कपीस आप देख रहे हो ये कहलाता है मशीन सरफेस, मशीन सरफेस, ओके, दिस इज व्हाट, मशीन सरफेस। मशीन सरफेस और मशीन फेस, जब आपके टूल के फ्लैंक का, जब आपके टूल के फ्लैंक का यहां पर रबिंग होता है मशीन सरफेस के साथ, ओके, तब आपका ये टर्शियरी डिफॉर्मेशन जोन क्रिएट होता है। और ये बहुत माइन्यूट होता है और ये तब होता है जब बहुत ही जबरदस्त टूल का वियर हो चुका हो और तब जाके आपका यहाँ पे रबिंग हो, बट उससे पहले ही हम टूल को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए हम इसकी ज्यादातर बात नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम इसकी ज्यादातर बात नहीं करते हैं। एक और चीज, अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपका बिल्टअप एच है, जी हाँ बिल्टअप एच, BUE, इसी रीजन के अंदर बनता है, ओके, इसी रीजन के अंदर आपका बिल्टअप एच बनता है, जो कि हम अगले आने वाले वीडियो में यहां पर डिस्कस करेंगे कौन से रीजन में बनेगा बिल्टअप एच। आपका जो बिल्टअप एच है ये बनेगा आपका सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन के अंदर, जी हाँ ये बनेगा आपका इस जोन के अंदर, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन के अंदर ये कहीं ना कहीं यहां बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगले आने वाली वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले आप ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, हाँ आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, दैट इज www.vincenthu.org, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ में अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ओके, यहाँ पर आपको काफी कुछ अवेलेबल है लाइक नोट्स, ओके, आप फर्दर यहाँ पे हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, हम आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे आप क्वेरी को। यहाँ पर अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप पर, चाहे वो आपका टेलीग्राम का ग्रुप हो, चाहे वो आपका फेसबुक का ग्रुप हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप हो, और कमेंट करें कि आपको आगे आने वाले वीडियो में और क्या क्या देखना पसंद होगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।